कहते हैं भगवान में आस्था हो तो फिर कागज पर लिखो या दीपों से। राम का नाम ऐसा है कि पानी में फेंके हुए पत्थर भी तैरने लगते हैं। रामायण में आपने देखा ही होगा, दबंग नेता प्रदेश अध्यक्ष नारायण सोमानी ने दीपक से राम लिखकर सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन का पालन करते हुए रामनवमी का पर्व मनाया और एक अच्छा संदेश दिया है सनातन धर्म को लेकर। चैत्र सुदी नवमी को भगवान श्री राम का प्राकट्य उत्सव होता है। इस पर योगी युवा वाहिनी दबंग नेता प्रदेश अध्यक्ष नारायण सोमानी राजेंद्र सिंह जौहरी ने सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइन का पालन करते हुए बैंगनपुरा के वार्ड नंबर 2 स्थित श्री पंघ देवरा महादेव मंदिर पर, साथ ही विश्व हिंदू परिषद गौ सेवा प्रमुख प्रकाश सेन ने बटकेश्वर महादेव मंदिर पर दीपक से राम लिखकर प्रभु श्री राम की विधि विधान से पूजा अर्चना करके कोरोना बीमारी को जड़ से समाप्त करने की कामनाएं की। सभी राम भक्तों ने अपने अपने घरों पर गाइडलाइन का पालन करते हुए रामनवमी का पर्व मनाया। योगी युवा वाहिनी प्रदेश अध्यक्ष नारायण सोमानी ने कहा कि आप सभी शासन प्रशासन की गाइडलाइन एवं कोरोना कर्फ्यू लॉकडाउन का पालन करें। सभी मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले, आवश्यक काम होने पर ही बाजारों में निकले, व्यर्थ वाहनों से ना घूमें। कोरोना बीमारी से बचाव करना आपके स्वयं के हाथों में है, किसी से हाथ ना मिलाएं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। आपको बता दें कि पिछले साल कोरोना काल में दबंग नेता नारायण सोमानी चाय व नाश्ता की अपनी टीम के साथ सेवा दी थी, जो जिले में सबसे हटकर एक सेवा थी। मैं सभी को संदेश देना चाहता हूं कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, मास्क लगा कर अपने घर से बाहर निकलें, फालतू नहीं घूमें और काम हो तो वाहनों से घूमें। आज रामनवमी का पावन पर्व पर हमने घर घर रामनवमी का पावन पर्व बनाया है। हम राम जी भगवान को आशा रखते हैं कि कोरोना की देश से जड़ से समाप्त हो। हमने राम भगवान को प्रार्थना करी है कि कोरोना काल से हमारी मुक्ति मिले